नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर यानी कि टेक एंड टूल्स पर एक नया वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द ग्लोरी ऑफ इंडिया। इस वीडियो सीरीज में आपको उन हर एक इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि उन लोगों का बचपन कैसा बीता, कैसे उन लोगों ने इतने बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया और क्या क्या था उन लोगों का इन्वेंशंस। दोस्तों, आप सोचिए कि आपने किसी एक टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट चला गया दूसरे किसी इंसान को। कुछ इस तरह ही हुआ था आचार्य जगदीश चंद्र बोस के साथ। आचार्य जगदीश चंद्र बोस वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलीमीटर वेवलेंथ के साथ रेडियो कम्युनिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया था, लेकिन 1895 में मार्कोनी को उसका पूरा क्रेडिट चला गया। ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आप मेरे आने वाला वीडियो सीरीज द ग्लोरी ऑफ इंडिया जरूर देखें। सोचिए दोस्तों, ऐसा एक साइंटिस्ट जिन्होंने शुरुआत किया एक न्यूज़पेपर सेलर के तौर पर, लेकिन बाद में उन्हें 40 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का उपाधि मिला, साथ ही साथ बने द मिसाइल मैन। ऐसा एक इंडियन सक्सेसफुल प्रेसिडेंट जिनके देहांत के बाद उनके घर से 2500 बुक्स मिले, 4 पैंट मिले, 3 शर्ट मिले, 3 सूट मिले और एक पेयर ऑफ शू मिला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूँ द मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। जानेंगे उनके बचपन के बारे में, कैसे उन्होंने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा द ग्लोरी ऑफ इंडिया द वीडियो सीरीज। दोस्तों, एक 28 साल के लड़के ने कैसे इंडियन गवर्नमेंट को कन्विंस किया और दुनिया का 5th स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया, ये भी आपको जानने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ द फाउंडर ऑफ इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विक्रम साराभाई के बारे में। विक्रम साराभाई के बारे में आपको पूरी जानकारी वीडियो सीरीज द ग्लोरी ऑफ इंडिया में मिलेगा। दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी ऐसा एक सर्जरी जिसके लिए मॉडर्न साइंस बेहद जरूरी है, लेकिन 600 BC में पहली बार सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी किया था। कैसे एक भारतीय ने आज से हजारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन किया था, वो भी आपको जानने को मिलेगा द ग्लोरी ऑफ इंडिया वीडियो सीरीज में। ऐसा एक मैथमेटिशियन जिन्होंने अपना डिग्री का पढ़ाई ही नहीं किया, गरीबी की वजह से स्लेट में एक्सप्रेशन डेराइव करते थे, लेकिन बाद में मैथमेटिक्स के फील्ड में ऐसा क्या किया जिसके वजह से उनके डेट ऑफ बर्थ यानी 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा द ग्लोरी ऑफ इंडिया वीडियो सीरीज। दोस्तों, ये तो सिर्फ 5 ऐसे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बोला, लेकिन आगे आने वाले वीडियो सीरीज यानी कि ग्लोरी ऑफ इंडिया में आपको बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट जैसे कि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, शकुंतला देवी, अजय बी भट्ट, नरेंद्र सिंह कपानी, राकेश शर्मा जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में, उन लोगों का बचपन के बारे में, उन लोगों ने कैसे इतने बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया और क्या क्या उन लोगों ने इन्वेंशन किया, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होने की तुरंत बाद ही आपको पता चल जाए। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, ताकि हर एक को ये जानकारियाँ पता हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।